गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मैं चाय बन गई, चाय मेरे बन गए हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा सुबह ला रहे हैं। और अब मैं चाय निकाल देती हूँ इनके लिए और इन्हें भी चाय दे दूँगी। बच्चे लोग दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें भी मैं अभी चाय और टोस्ट पापड़ दे देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ना दोस्तों, तो भूख लग ही जाता है। तो इनका हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है टोस्ट पापड़ से। फिर देखिए दोस्तों, इन्हें टोस्ट पापड़ देने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ इधर चावल बनाने के लिए। पानी भी गर्म हो गए हैं दोस्तों, अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद फिर देखिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ साग काटने के लिए। साग बनाने के लिए मैं लहसुन और मिर्ची को डाल दी हूँ कढ़ाई पे, और फिर अब मैं साग डाल दूँगी दोस्तों इसमें। सारे सागों को मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, फिर उसे मैं अच्छे से चलाऊँगी। सब साग को मैं अच्छे से चला दूंगी दोस्तों। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद इसे मैं अच्छे से और चला देती हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों देखिए, अब मैं इसे ढक्कन लगा साग में, अच्छे से टमाटर डाल के मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ ताकि साग मेरा अच्छे से पक जाए। और ये देखिए दोस्तों, अब मेरे साग बन के रेडी हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों गुड़ा बनाने के लिए। गुड़ा बनाने के लिए टमाटर, लहसुन और मिर्ची को मैं पहले ही रख दी थी। अब मैं मिर्ची डालूँगी, फिर लहसुन डाल दूँगी, फिर टमाटर डाल दूँगी दोस्तों। नमक भी डाल दूँगी दोस्तों इसमें, हल्का सा नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसे चलाऊंगी दोस्तों। अब हमारा टमाटर गल गया है और अब मैं इसमें मार ऐड कर दूंगी। ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी दोस्तों, मार इसमें ऐड कर हिसाब से मार डाली हूँ। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ इसमें। और अब मैं इसे चलाऊंगी दोस्तों। और देखिए अब हमारा मार जो है ना, वो उसमें उबाल आ गए हैं। और अब मैं इसमें गुड़ा डालूंगी। गुड़ा डालने के बाद इसे मैं अच्छे से चला दूंगी, नहीं तो फिर वो जॉइंट से रह जाते हैं। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ अब उबल गया है और थोड़े से इसमें उबाल आ जाएंगे। मुझे ना थोड़ा सा गुड़ा कम लग रहे थे तो मैं इसलिए ऊपर से और थोड़ा सा मैं गुड़ा डाल दी। और ये देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ा और भात बन के रेडी हो गया है। ये प्याज साग है और ये गुड़ा है और ये सूखी मछली का सब्जी है दोस्तों। ये